तो आज हम फटाफट से कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रिवीजन करेंगे एंड देन वी विल सी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज टेलीस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये क्यों यूज करते हैं, यहाँ से वापस एक बार देखेंगे। तो व्हाई टू यूज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हाउ टू डिफाइन रिजॉल्विंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो अगर आपको याद होगा, पूरा 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 बेसिक से कनेक्ट करूं, ऑब्जेक्ट का क्लियरिटी, ऑब्जेक्ट का साइज डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आई। तो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ और ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो हम ऑब्जेक्ट को पास में लाएंगे या हम ऑब्जेक्ट के पास में जाएंगे, राइट? तो उस केस में 25 सेंटीमीटर तक आप ऑब्जेक्ट को पास में ला सकते हो। 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस अगर हुआ तो योर आईज गेट स्ट्रेन एंड अगेन द इमेज बिकम्स ब्लर्ड। तो 25 सेंटीमीटर को हम लोग बोलते हैं डीडीवी, डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंट विजन। 25 सेंटीमीटर तक लाने के बाद भी हमको ऑब्जेक्ट जितना क्लियरली चाहिए था दिखा नहीं था, तो हमने एक सिंगल लेंस यूज किया सच दैट द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकल पॉइंट। इमेज ऑब्टेंड इज वर्चुअल रेक्टेंड मैग्निफाइड, उसको आप बोलते हो सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफाइंग पावर हमने डिफाइन किया था रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट एडेड आई टू दैट ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट अनएडेड आई व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डीडीवी, मतलब बीटा बाय अल्फा। और वो पूरा सॉल्व करने के बाद आता है डी बाई यू, और उसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद आता है, मैं जानबूझ के लिख नहीं रहा हूँ कि ये अब आपको याद रहना चाहिए, डी वाई यू इज ऑल्सो इक्वल टू डी बाई वी प्लस डी बाई एन। तो इन शॉर्ट मैग्निफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप ये फॉर्मूला था डी बाई वी प्लस डी बाई एन। फिर हमने देखा था दो प्लेसेस वेयर इमेज कैन बी फॉर्म, एक्चुअली इमेज कहीं भी बन सकता है फ्रॉम 0 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी, लेकिन लेकिन 25 सेंटीमीटर से पहले बन के फायदा नहीं है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस होगा तो इमेज विल बी ब्लर्ड। तो इमेज कैन बी फॉर्म इधर एट डीडीवी और एट इंफिनिटी। अगर इमेज डीडीवी बनेगा तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला डी बाई वी प्लस डी बाई एफ बन जाएगा डी बाई डी प्लस डी बाई एफ, मतलब 1 प्लस डी बाई एफ। और अगर इंफिनिटी भी बनेगा तो डी बाई इन्फिनिटी प्लस डी बाई एफ, मतलब डी बाई इन्फिनिटी कितना है 0, मतलब कितना है डी बाई एफ। तो काट साट के इन शॉर्ट समरी, या फिर आपको क्या समझ में आया कि मैग्निफाइंग पावर व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी और डीडीवी, इन दोनों ही केसेस में मैग्निफाइंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। तो जितना मैग्निफाई हुआ है इमेज उतना सफिशिएंट नहीं है, हमको मैग्नीफाइंग पावर और भी बढ़ाना है, तो फोकल लेंथ को कम करना पड़ेगा। फोकल लेंथ को कम करने का मतलब ये था कि लेंस को थिक करना, जितना लेंस का थिकनेस ज्यादा होगा उतना ही फोकल लेंथ कम होगा। लेकिन हम लेंस को कितना थिक कर सकते हैं उसका भी लिमिट है। तो अगर लेंस को ज्यादा थिक करने गए तो इमेजेस वापस से ब्लर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डिफेक्ट्स एबरेशंस, वो हमारे सिलेबस के बाहर का पार्ट है तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि यू कैन नॉट गो ऑन इंक्रीजिंग थिकनेस। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि मैं थिकनेस भी नहीं बढ़ा सकता हूँ, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक की जगह पे दो लेंस यूज करते हैं। एक लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज और ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर दोनों ही क्या है छोटा है, और ऑफकोर्स फोकल लेंथ भी कम है ना। ऑब्जेक्टिव लेंथ का स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर, एंड आई पीस हैज लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर। अब हमने एक की जगह पे दो लेंस यूज किए सच दैट ये ऑप्टिक सेंटर है किसका, ऑब्जेक्टिव का। इसको ऑब्जेक्टिव क्यों बोला है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके पास में रखा हुआ है। वो कहाँ रखा है बताता हूँ बाद में। ये है आईपीस का ऑप्टिक सेंटर, तो ये लेंस था ऑब्जेक्टिव लेंस, ये था आईपीस, इसको आई लेंस भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव का फोकल पॉइंट, ये है ऑब्जेक्टिव का फोकल पॉइंट। हम इंटेंशनली ऑब्जेक्ट को रखते हैं बियॉन्ड बियॉन्ड फोकस,
बियॉन्ड, क्योंकि मैंने अगर गलती से यहाँ रख दिया होता तो इमेज ऑप्टेंड विल बी वर्चुअल इरेक्टेंगल मैग्नीफाइड, मतलब इमेज भी लेफ्ट में बन गया, वो तो चाहिए नहीं हमको, फिर हमने यहाँ पे रखा। तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर इंटेंशनली इंटेंशनली कीपिंग द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकस, ये इंटेंशनली किया है हमने बियॉन्ड फोकस, क्योंकि अगर आप बियॉन्ड फोकस रखोगे इमेज ऑप्टेंड इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। रियल इमेज इन केस ऑफ लेंस इज ऑन द अदर साइड, ऑब्जेक्ट था लेफ्ट में, इमेज बनेगा राइट में, किसके राइट में, ऑब्जेक्टिव के राइट में। ऐसा आएगा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो उसका जो इमेज बन गया उसको नाम दिया था मैंने ए डैश बी डैश। ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, ये है इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव। तो दिस इज नथिंग बट यू ओ, दिस इज नथिंग बट वी ओ। अब ये जो इमेज बना है किसने बनाया है, ऑब्जेक्टिव ने। ये होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, किसके लिए होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, आईपीएस के लिए। तो आईपीएस इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है वर्चुअल इरेक्टेंगल मैग्नीफाइड। तो जो फाइनल इमेज बनता है, फाइनल इमेज बनेगा ए डबल डैश बी डबल डैश। तो याद रखना ये जो डिस्टेंस था ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, किसके लिए, आई पीस के लिए। दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस, और ये है इमेज डिस्टेंस किसके लिए, आई पीस के लिए। तो ये कंप्लीट डायग्राम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। फिर हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में भी मैग्नीफाइंग पावर सेम तरीके से ही डिफाइन किया है, इट इज बीटा बाय अल्फा, रेशियो ऑफ एंगल सब्टेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट आई। आई यहाँ पे है, यहाँ से देख रहे हो तुम, तो यहाँ पे जितना एंगल बनेगा वो एंगल यहाँ पे भी उतना ही बनने वाला है। ऐसा क्यों, ऐसा इसके लिए क्योंकि ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होते हैं। तो ठीक है, तो बीटा बाय अल्फा, अल्फा क्या था, अल्फा था एंगल सब्टेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज कैप्ट एट डीडीवी। तो जब मैंने ऑब्जेक्ट को कौन ऑब्जेक्ट है, ए बी, जब मैंने ऑब्जेक्ट ए बी को डीडीवी डिस्टेंस पे, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे रखा था, तब उसने जो भी एंगल बनाया था वो था अल्फा। यहाँ तक क्लियर, याद आ रहा है ये सब स्टेप्स, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट, ये तो पता होना ही चाहिए, इक्वेशन नंबर वन। फिर टैन बीटा, व्हाट इज टैन बीटा, बट साइन बेटा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन यू ए की बी बी ए, पक्का पक्का सर सर ओके, बराबर ना, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, या फिर दिस इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ओ, व्हाट इज बी डैश ओ, यू ई, यू ई। और अगर एंगल स्मॉल है तो टैन बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा, अगर एंगल स्मॉल है तो एंगल स्मॉल है ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा हमको। इफ द एंगल इज स्मॉल टैन बीटा इज इक्वल टू बीटा, फाइन। व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज टैन अल्फा, व्हाट इज टैन अल्फा, व्हाट इज टैन अल्फा, जल्दी बोलो, ए बी बाई डी, अल्फा इक्वल टू ए बी बाई डी, इक्वेशन नंबर थ्री, इक्वेशन नंबर टू। तो इक्वेशन टू और थ्री कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, वन में। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन टू एंड थ्री मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, बीटा कितना है, कितना है जल्दी बताओ, ए डैश बी डैश अपॉन क्या है, यू ई है, वेरी गुड, अपॉन यू ई। व्हाट इज अल्फा, ए बी बाय डी, तो ए बी बाय डी, तो
तो यहाँ पे तो कुछ कैंसिल हुआ नहीं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गया ऊपर, तो डी बाई यू बी बराबर ए डैश बी डैश इज नथिंग बट इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव, और ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये क्या हो गया, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। लेकिन इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज को तुमने क्या डिफाइन करके रखा हुआ है, क्या डिफाइन किया है, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज को क्या डिफाइन किया था, मैग्निफिकेशन। तो ये इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन। कौन से लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। इमेज ए डैश बी डैश इज द इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव, ए बी इज द ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव, तो क्या हो गया, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। डी अपॉन यू ई क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर किसका, आईपीस का। तो मैंने बताया था आपको कि क्योंकि दो लेंस यूज हुए हैं तो दोनों लेंस का एक एक टर्म आता है, आगे का एक एक टर्म, एक आया ऑब्जेक्टिव का, एक आया आईपीस का, आना ही चाहिए, नहीं तो फिर दो लेंस क्यों यूज करते, दो लेंस यूज क्यों करते, अच्छा दिखता है इसके लिए, नहीं दोनों का यूज है, डबल मैग्निफिकेशन है। जब तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना तो अपना भी याद रहता है, कॉन्सेप्ट ये था, ऑब्जेक्ट दूर था, क्लियर नहीं दिख रहा था, पास में लाए 25 सेंटीमीटर तक लाए फिर भी क्लियर नहीं दिख रहा है, एक लेंस यूज कर लिया सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप ने क्या किया, इमेज को मैग्निफाई कर दिया, हो गया मैग्निफिकेशन। यस, लेकिन जितना इमेज का साइज डिजायर्ड था उतना अभी भी नहीं मिला है, तो क्या करेंगे फिर, तो दो लेंस यूज करेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव ने मैग्निफाई किया, अब आईपीस ने कर दिया, राइट। उसके बाद अगर आपको याद होगा ये होता है माइनस वी ओ बाय यूओ, और इसके तो हमने देखे थे फॉर्मूला, क्या देखे थे, डी बाय वी अपॉन सॉरी प्लस डी बाय एफ ई। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि अगर फाइनल इमेज डीडीबी पे बना, फाइनल इमेज कौन बनाता है, ऑब्जेक्टिव या आईपीस, आईपीस। तो अगर फाइनल इमेज डीडीबी पे बना, मतलब वीई और डी डिस्टेंस सेम है, तो माइनस वी ओ बाई यू डी बाई डी वन प्लस डी बाई एफ ई। और अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बना तो क्या होता है, क्या होता है, क्या आता है, डी बाय एफ ई। क्यों, डी बाय इंफिनिटी जीरो, ओके। तो यहां तो याद है, हाँ नहीं, इसके बाद हमने वी ओ बाय यू फाइंड किया था, याद है व्हाट इज वी ओ बाय यू, माइनस वी ओ बाय यू क्या आया था, भूल गए, एफ ओ अपॉन एफ ओ माइनस वी ओ। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद हमको मिला था एफ ओ अपॉन एफ ओ माइनस यू ओ वन प्लस बी बाई एफ ई, और यहाँ पे भी वही आएगा एफ ओ अपॉन एफ ओ माइनस यू ओ डी बाई एफ ई, ऐसा आता है। तो यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था, गुड। वॉट आई नोटिस इज कि आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो, वॉट आई नोटिस इज कि आप लोग अगर एबसेंट रह रहे हो तो भी ऑनलाइन लेक्चर नहीं कर रहे हो, विच इज नॉट गुड। देखो ऐसे अगेन डिफिकल्ट टॉपिक छोड़ देना मेरे लिए आसान है, लेकिन टाइम बचेगा, बट दैट इज नॉट गुड फॉर यू। तो रिवाइज करके आना चाहिए, नहीं तो कैसे कनेक्ट करोगे, कैसे समझेगा कि टेलीस्कोप में क्या होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या हुआ, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहाँ यूज करते हो, ये समझेगा तो टेलीस्कोप समझेगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों यूज होता है, टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट विच आर वेरी नियर टू यू। तो टेलीस्कोप कहाँ यूज होता है, टू सी वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट विच आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। तो अब देखते हैं टेलीस्कोप, कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, सिर्फ डिफरेंस है टेलीस्कोप हम यूज करते हैं टू सी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, मतलब वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स विच आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, जैसे स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि प्लैनेट या स्टार बहुत दूर है, इसके लिए साइज छोटा दिखता है,
दूसरा वहां से लाइट भी कम आता, क्योंकि दे आर वेरी फार अवे। इसका मतलब हमको उसका इमेज बड़ा चाहिए और ब्राइट चाहिए। अगर इमेज को ब्राइट करना है तो ज्यादा लाइट कलेक्ट करना पड़ेगा कि कम लाइट कलेक्ट करना पड़ेगा? ज्यादा, ऑब्वियसली ज्यादा। इसलिए ऑब्जेक्टिव मतलब जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ है, पॉइंट कर रहा है, उसका साइज ज्यादा होगा और आईपीस का छोटा होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उल्टा था, ऑब्जेक्टिव छोटा था और आईपीस बड़ा था। यहाँ पे हो जाएगा अदर वे राउंड। तो टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच कंसिस्ट ऑफ टू बायकॉन्वेक्स लेंसेस। एक है ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर, और एक है आईपीस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर। तो सबसे पहले बेसिक पता होना चाहिए। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेस, वन ऑफ लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज फोकल लेंथ एंड द अदर ऑफ स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ। लार्ज अपर्चर कौन है? ये कौन है? ये ऑब्जेक्टिव। स्मॉल अपर्चर ये कौन है? आईपीस। आईपीस करेक्ट। ये पहला डिफरेंस है बिटवीन माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। दूसरा डिफरेंस ये है, माइक्रोस्कोप में हम लोग ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ से पहले या फोकल लेंथ के बाद में भी ला सकते हो, लेकिन टेलीस्कोप के केस में तुम कर ही नहीं सकते हो ऐसा, क्योंकि टेलीस्कोप में तुम देख रहे हो ऐसे ऑब्जेक्ट को जो बहुत दूर है हमसे। इसका मतलब एक चीज तो पक्की है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे, एट व्हाट डिस्टेंस? इंफिनाइट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी डिस्टेंस पे। और अगर आपको याद होगा, जो भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी डिस्टेंस पे हो, उसमें से जो रेज आते हैं वो कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं। पैराएक्सियल भले ही नहीं हो, लेकिन पैरेलल तो होता ही है। रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड इंफिनिटी आर पैरेलल। और आपको तीसरी चीज पता होगी जो होनी चाहिए, जो भी रे ऑप्टिक सेंटर से पास होता है वो कभी भी बेंड नहीं होता है, सीधा जाता है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, वहां से रे आया, वो ऑप्टिक सेंटर से पास हुआ, और ऑप्टिक सेंटर से पास होने वाला रे कभी बेंड नहीं होता, सीधा जाता है। और इसी को पैरेलल रे था, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट आर पैरेलल। लेकिन ये रे ऑप्टिक सेंटर से पास नहीं हो रहा है, तो इसका क्या होगा? बेंडिंग होगा। और ये बेंडिंग होके, बेंड होके समवेयर हियर ये बन जाएगा इमेज। क्या बन जाएगा? ये इमेज ए बी। पिछले केस में हमने ए बी को ऑब्जेक्ट बोला था, यहाँ पे ए बी क्या है? इमेज है। ये इमेज किसने बनाया है? ऑब्जेक्टिव ने बनाया है। ऑब्जेक्टिव ने बनाया है ये आईपीस। अनदर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, इमेज कहाँ बनता है? फोकस पे, फोकल पॉइंट पे। लेकिन वो कब होता है बताता हूँ। हमारे पास एक लेंस था, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रेस अगर पैरा एक्सियल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरा एक्सियल? पैरेलल टू देमसेल्व एंड ऑल्सो टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इमेज कहाँ बनता है? प्रिंसिपल एक्सिस पे, पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको तुम बोलते हो फोकस। इफ द रेज आर पैरा एक्सियल देन द इमेज इज फॉर्मड एट फोकस। करेक्ट? यहां तक क्लियर? अब जस्ट अ मिनट। ओके।
एक मिनट, हाँ गिव मी अ, आई हैव हियर, व्हाट इज फोकस? फोकस इज अ पॉइंट, बराबर ना? फोकस क्या होता है? एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है, लेकिन हर एक पॉइंट एक प्लेन पे होता है, राइट? तो ये पॉइंट एक प्लेन पे है, तो फोकस भी एक प्लेन पे होगा। ईच पॉइंट इज ऑन सम प्लेन, कोई भी तुम पॉइंट लोगे ना तो वो एक प्लेन पे होता है। प्लेन मतलब टू डायमेंशनल सरफेस। अनदर एग्जाम्पल इज, अब ये मेरे पास बोर्ड एक सरफेस है, प्लेन है, प्लेन है। कोई भी पॉइंट लूंगा मैं, जैसे ये पॉइंट है, ये एक प्लेन पे है, तो वैसे फोकस भी एक प्लेन पे है। तो फोकस जिस प्लेन पे है उसको फोकल प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल प्लेन। अगर रेज पैरा एक्सियल होते तो इमेज कहाँ बनता? फोकस पे। लेकिन अगर, रिमेम्बर, इफ द रेज आर नॉट पैरा एक्सियल, रेज एक दूसरे को तो पैरेलल है लेकिन पैरा एक्सियल नहीं है, तो इफ द रेज आर नॉट पैरा एक्सियल तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा कि फोकल प्लेन पे बनेगा? फोकल प्लेन, वेरी गुड। फोकस का और फोकल प्लेन का डिस्टेंस सेम होता है, तो जो डिस्टेंस फोकस पॉइंट का है लेंस से, वही डिस्टेंस फोकल प्लेन का है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हुआ तो इमेज कहाँ बनेगा? फिर कहाँ बनेगा? फोकस या फोकल प्लेन पे, दोनों का डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो आपको याद हो टेबल, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इमेज इज फ्रॉम दैट फोकस। तो ये डिस्टेंस क्या है फिर? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? फोकल लेंथ। किसका फोकल लेंथ? ऑब्जेक्टिव का। लेकिन ये इमेज डिस्टेंस है। किसने बनाया था इमेज? आईपीस ने कि ऑब्जेक्टिव ने? ऑब्जेक्टिव ने। तो वीओ इक्वल टू क्या आएगा? एफओ। क्लियर? पक्का? आपने लिखा है टेबल में इफ यू इज इंफिनिटी वी इक्वल टू एफ, तो मैंने भी वही लिखा है, इफ यू इज इंफिनिटी वी इक्वल टू एफ। कौन सा वी? वीओ। क्योंकि इमेज कौन बना रहा है? ऑब्जेक्टिव। इक्वल टू क्या? एफओ। कौन से लेंस का ऑब्जेक्ट? फोकल लेंस, ऑब्जेक्टिव का। ये जो ए बी इमेज था जो ऑब्जेक्टिव ने बनाया था, ये आईपीस के लिए क्या बन जाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। और हम जानबूझ के इंटेंशनली इसको ऐसा रखते हैं सो दैट इट इज एट द फोकल प्लेन ऑफ आईपीस। और ऑब्जेक्ट अगर फोकल पॉइंट पे हुआ तो इमेज कहाँ बनता है? इन्फिनिटी पे। कहाँ बनता है? इन्फिनिटी पे। तो अगर आप टेलीस्कोप के डायग्राम देखोगे तो ऐसा दिया हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है इधर, टू इन्फिनिटी ऐसा लिखा हुआ है, टू इन्फिनिटी टेलीस्कोप का केस। इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव इज एट द फोकल प्लेन, सो वी ओ इक्वल टू एफ ओ, एंड दिस इमेज इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके लिए? लेकिन कितने डिस्टेंस पे रखा तुमने? एफ ई पे। करेक्ट? क्लियर यहाँ तक? और जैसे जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस को क्या बोला था? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप बोला था ना हमने, बोला था। चलो नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, मैंने तुमको ये भी बताया था कि हम क्या उसको ऐसे हाथ में लेके घूमते हैं क्या? हम इसको ट्यूब में फिट करते हैं, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब में फिट करते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव और आईपीस का जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हो? लेंथ ऑफ ट्यूब। व्हाट इज लेंथ ऑफ ट्यूब? VO प्लस UE, VO प्लस UE। सिमिलरली टेलीस्कोप के केस में भी वही है। व्हाट इज लेंथ ऑफ टेलीस्कोप? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस? VO प्लस UE। सिर्फ यहाँ पे VO क्या है? FO, और UE क्या है? FP है।
है, सिंपल क्लियर। टेलीस्कोप एक्चुअली ज्यादा सिंपल है कंपेयर टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर हमने डिफाइन किया था मैग्नीफाइंग पावर। यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज होगा। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, एज द रेशियो ऑफ वही एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई। तो आइडियली स्पीकिंग तुम यहां से देखते हो, तो एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई मतलब कौन सा एंगल? ये एंगल, ये एंगल मतलब कौन सा एंगल? ये एंगल, ओके। और ये एंगल को मैं बोल दूंगा बीटा। क्या बोल देंगे इसको? बीटा। तो इट इज द एंगल, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड, बाय इमेज, ऑफकोर्स फाइनल इमेज, बाय फाइनल इमेज एट आई, ऑफकोर्स एडेड आई, टू दैट ऑफ एडेड आई मतलब लेंस से देख रहे हो, तो लेंस की हेल्प लेके देख रहे हो, एड मतलब हेल्प लेना, टू दैट ऑफ एंगल सबटेंडेड, बाय कौन सबटेंड करेगा? कौन करेगा सबटेंड? सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। तो डिफरेंस कहाँ है? यहाँ पे है। तुम कंपाउंड माइक्रोस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या बोल रहे थे? इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट एन एडेड आई टू दैट ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट अन एडेड आई व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डीडीवी। वो माइक्रोस्कोप था, ये टेलीस्कोप है। ऐसे कर सकते हो क्या? मेरे को जुपिटर देखना है, जुपिटर मैंने 25 सेंटीमीटर पे लाया, नहीं हो सकता ना। तो लॉजिकली सोचो, यहाँ पे वो एट डीडीवी लिखने का मतलब ही नहीं बनता है। लिख दिया तो मतलब तुमको कुछ समझ में नहीं आया फिर। ओके, तो आई अंडरस्टैंड कि तुमको समझ में आया है। अब छोटा सा प्रॉब्लम और है। तुम यहाँ बोल रहे हो एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, बराबर। लेकिन लेते वक्त हम लोग लेते हैं ये एंगल अल्फा, और ये अल्फा है तो ये भी क्या है? अल्फा। हम बोल रहे हैं एंगल सबटेंडेड एट आई, और हम ले रहे हैं एंगल सबटेंडेड एट ऑब्जेक्टिव, ऐसा क्यों? जुपिटर देख रहे हो, मार्स देख रहे हो, और तुम्हारा टेलीस्कोप का लेंथ कितना ही होगा? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर। तो इसका मतलब जितना एंगल जुपिटर या मार्स ऑब्जेक्टिव पे बनाएगा, लगभग उतना ही एंगल आपकी आंखों पे बनने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, राइट? तो हम लिखते वक्त ऐसा लिखते हैं एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, लेकिन लेते क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेलीस्कोप, क्योंकि सेम बात है ना, लाखों किलोमीटर दूर है वो, और तुम्हारा टेलीस्कोप का ट्यूब लेंथ कितना ही होगा? 2 मीटर होगा, 2 सेंटीमीटर, उससे बड़ा क्या होगा वो? करेक्ट? यहाँ तक क्लियर? तो निकालो यहाँ से टेन बीटा, बताओ व्हाट इज टेन बीटा। तो पहले मैथमेटिकल लिख लेता हूँ, देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, मतलब वापस वैसा ही फॉर्म आ गया। लेकिन डायग्राम से टेन बीटा क्या है? बताओ बताओ व्हाट इज टेन बीटा। AB by BO dash, चलो ठीक है, AB by BO dash, तो AB by BO dash, what is BO dash? FE, it is FE upon FT, okay, so therefore you have beta equal to, अगर एंगल स्मॉल है, और एंगल स्मॉल ही होना चाहिए, so if angle is small, if beta is small, you will have tan beta equal to beta, ये आ जाएगा AB by FE,
अल्फा कैसे फाइंड करोगे? हाउ डू फाइंड आउट अल्फा? टेन अल्फा निकाल लो पहले. व्हाट इज टेन अल्फा? ए बी बाय बी ओ है ना, ए बी बाय बी ओ, और अल्फा छोटा होगा तो टेन अल्फा इज अल्फा, तो ए बी बाय बी ओ. व्हाट इज बी ओ? एफ ओ. एफ ओ. देयरफॉर व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? बीटा बाय अल्फा. व्हाट इज बीटा? यू जस्ट सेड बीटा, यू जस्ट टोल्ड मी. ए बी बाय एफ ई अपॉन ए बी बाय एफ ओ. ए बी हो गया कैंसल आउट, तो क्या आ गया? एफ ओ बाय एफ ई. देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू एफ ओ बाय एफ ई. सिर्फ यहाँ पे एक माइनस साइन लिखा जाता है. वाई? डायग्राम देख के बताओ क्यों नेगेटिव? ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, इन्वर्टेड है. इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. वेरी गुड. तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इंडिकेट्स दैट दैट इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. इमेज इज इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. सिंपल सिंपल. और वेल बाय द वे, और एक चीज समझ लो, अभी जब आप सीईटी प्रिपेयर करोगे तब करोगे. इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल सेटिंग. क्या बोलते हैं? नॉर्मल सेटिंग में, नॉर्मल सेटिंग में ऑब्जेक्टिव में जो इमेज बनाया वो कहाँ बना? फोकल प्लेन पे. वो वैसा ही होता है, लेकिन नॉर्मल सेटिंग में ये जो इमेज था जो ऑब्जेक्टिव ने बनाया था वो किसके लिए ऑब्जेक्ट है? आईपीस के लिए. लेकिन वो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है? फोकल लेंथ ऑफ आईपीस. तो नॉर्मल सेटिंग में क्या होता है? नॉर्मल सेटिंग में द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव इज एट द फोकल प्लेन ऑफ आईपीस. दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल सेटिंग. ऑब्जेक्ट ने जो इमेज बनाया वो आई लेंस के, आई पीस के भी कहाँ पे रखा हुआ है? फोकल प्लेन पे रखा हुआ है. मतलब यू ई इज ऑल्सो इक्वल टू एफ ई. तो नॉर्मल सेटिंग में लेंथ क्या आता है? एफ ओ प्लस एफ ई. क्लियर यहाँ तक? पक्का? तो बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल सेटिंग? द इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव इज एट फोकल प्लेन ऑफ आई पीस. डन. ओके. नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं उसको. दैट इज द एंड ऑफ थ्री पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो जो हमारे थोड़े से न्यूमेरिकल्स रह गए पहले हम लोग वो न्यूमेरिकल्स खत्म कर लेंगे. एग्जाम्पल 9.11. मैं सबको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम दूंगा लिखने के लिए, इसके लिए फिलहाल क्वेश्चन पे ध्यान दो. आफ्टर कैटरैक्ट ऑपरेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटरैक्ट ऑपरेशन? आप सबको पता है, लेकिन सबको ये नहीं पता कि उसको इंग्लिश में कैटरैक्ट बोलते हैं. बहुत सारे लोगों के घर में या रिलेटिव्स में आंखों का ऑपरेशन करा के आए होंगे, काला चश्मा पहन के बैठे. हाँ, मोती बिंदु. एग्जैक्टली. तो कैटरैक्ट मतलब मोती बिंदु. तो आफ्टर कैटरैक्ट ऑपरेशन अ पर्सन इज रिकमेंडेड द कॉन्केवो कॉन्वेक्स स्पेक्टाकल. चश्मा पहन के बैठते हैं 7-8 दिन तक. ओके. तो वो जो चश्मा सजेस्टेड होता है वो क्या सजेस्ट किया? कॉनकेवो कॉन्वेक्स. कॉनकेवो कॉन्वेक्स, एक सर्कस कॉनकेव एक कॉन्वेक्स. ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर. क्राउन ग्लास. अभी ये क्राउन ग्लास क्या होता है? फिर क्राउन ग्लास ग्लास ही है, सिर्फ उसका रिफ्रेक्टिवनेस और वैल्यू थोड़ा सा अलग होता है. ओके. तो क्राउन ग्लास ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.51 फॉर रेड एंड 1.53 फॉर वॉयलेट कलर इज यूज. आपको याद है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ईच कलर इज डिफरेंट? तो देखो यहाँ पे बोला है, यहाँ पे रेड कलर के लिए कितना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है? 1.51. और वॉयलेट के लिए कितना है? 1.53. कैलकुलेट द लैटरल क्रोमैटिक एबरेशन ड्यू टू दिस ग्लासेस. तो क्रोमैटिक एबरेशन फाइंड करो. तो पहले तो ये याद होना चाहिए कि क्रोमैटिक एबरेशन क्या था. क्या था? व्हाट वाज क्रोमैटिक एबरेशन?
याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो फाइन, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान होना चाहिए। व्हाट वाज क्रोमैटिक एबरेशन? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट जब लेंस में से पास होता है, और लेंस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म होता है। कॉन्वेक्स लेंस इज लाइक टू प्रिज्म जॉइंट बेस टू बेस, एंड कॉन्केव लेंस इज लाइक टू प्रिज्म जॉइंट वर्टेक्स टू वर्टेक्स। तो जैसे ही व्हाइट लाइट प्रिज्म में गया तो क्या हुआ? डिस्पर्शन हुआ। सबसे कम डेविएशन किसका होता है? रेड का। तो रेड सबसे दूर जाके कॉन्वर्ट होगा। सबसे ज्यादा किसका होता है? वायलेट। तो ये जो फोकल पॉइंट ऑफ वायलेट, मतलब फोकल लेंथ ऑफ वायलेट, और जो फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर है, इन दोनों का डिस्टेंस जो होता है उसको बोलते हैं क्रोमेटिक एबरेशन। तो तुमको क्रोमेटिक एबरेशन फाइंड करना है तो क्या फाइंड करना है? एफ आर माइनस एफ वी फाइंड करना है। वेरी गुड। हमको क्वेश्चन में कॉन्वेक्स लेंस नहीं दिया हुआ है, हमको क्वेश्चन में कौन सा लेंस दिया हुआ है? कौन सा? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो, पहला सरफेस कॉनकेव है इसलिए कॉनकेवो बोला है। कॉन्वेक्स, जब तुम पहला सरफेस बोलते हो तो तुम लेफ्ट से देख रहे हो, तो क्या दिख रहा है? कॉनकेव। जब तुम कॉन्वेक्स बोलते हो तो तुम राइट से देख रहे हो, तो राइट से देखोगे तो ये सरफेस आपको क्या दिखेगा? कॉन्वेक्स दिखेगा, मतलब ऐसा लेंस है। करेक्ट। तो पहला सरफेस है कॉनकेव, दूसरा है कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब हमको गिवन पैरामीटर में बताया है पहले का रेडियस, पहले सरफेस का रेडियस कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। दूसरे का कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर। और क्या बोला हुआ है? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर 1.51, फॉर वॉयलेट कलर 1.53। और आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है? लैटरल क्रोमेटिक एब्रेशन, मतलब एफ आर माइनस एफ वी, ये फाइंड करने के लिए बोला है। बराबर, पक्का पक्का? श्योर श्योर। तो बताओ कैसे फाइंड करोगे? व्हाट इज लेंस मेकर इक्वेशन? व्हाट इज लेंस मेकर इक्वेशन? 1/f = μ − 1, 1/r1 − 1/r2। यहां से पहले एक चीज समझ लो। अब पहले तो तुम साइन कन्वेंशन यूज कर लो, और जो फाइंड करना होता है उसके साइन कन्वेंशन यूज नहीं होते। तुमको क्या चाहिए? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कन्वेंशन यूज करोगे क्या? नहीं। रेडियस, मैं कोई बात बताओ, पहले सरफेस का रेडियस लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा? लेफ्ट में। तो पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव। सेकेंड सरफेस का? सेकेंड सरफेस का रेडियस, सेकेंड सरफेस का रेडियस, अरे सेकेंड सरफेस का सेंटर कहाँ जा रहा है? लेफ्ट में। तो रेडियस भी क्या आएगा? लेफ्ट में, नेगेटिव। तो देयरफॉर 1/f = μ − 1, −1/r1, −1/r2। माइनस साइन कॉमन निकाल लो, तो 1/f = −sin आ गया कॉमन, μ − 1, 1/r1 + 1/r2। अब पहले फाइंड कर लेंगे रेड कलर का, फिर करेंगे वॉयलेट कलर का, और दोनों कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो 1/fv − μv − 1। अब एक तुम एक स्मार्ट काम कर सकते हो, तुम एफ आर या एफ वी फाइंड करोगे तो दोनों में क्या आएगा? 1/r1 + 1/r2। तो पहले से वो निकाल के रख दो ना, सिंपल हो जाएगा। 1/r1 + 1/r2 पहले ही फाइंड कर दो। 1/10 + 1/50 कितना आया? 50 + 10 मतलब 60/500, मतलब कितना? 6/50 मतलब कितना? 3/25। फाइन, गुड। तो देयरफॉर
वन बाय एफ वी इक्वल टू माइनस म्यू वी माइनस वन, वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू। तो वन बाय एफ वी इक्वल टू माइनस म्यू वी कितना दिया हुआ था, कितना है म्यू वी, 1.53 माइनस वन, और ये कितना है 3/25, अभी तुमने फाइंड किया। तो वन बाय एफ वी कितना आ गया, माइनस 0.53 3/25, मतलब एफ वी कितना आ गया माइनस 25/3 इंटू 0.5, इसको ऐसा ही रखा। अभी एफ आर फाइंड कर लो, व्हाट विल बी 1/FR माइनस म्यू आर माइनस वन, 1/R1 प्लस 1/R2 माइनस 1.51 माइनस 1/3/25, हाउ मच, 0.51। मैंने उल्टा कर दिया, मैंने एक स्टेप कम कर दिया, मतलब 25/25 × 3 विथ माइनस साइन, 3 नीचे आएगा, ये 3 ऊपर नहीं आएगा, ये 3 नीचे आएगा। ओके, समझ में आया ये स्टेप? अरे कुछ नहीं, मैंने डायरेक्टली एफ आर लिख दिया, ठीक है चलता है। अभी कर लो फाइंड, क्या फाइंड करना है, एफ आर माइनस एफ बी, कर लो कर लो। व्हाट इज एफ आर, −25/3 × 0.51 माइनस ऑफ माइनस, क्योंकि तुम्हारा एफ वी भी क्या आया था, माइनस 25/3 × 0.53, क्या कॉमन निकलेगा, −25/3 कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा 1/0.51, माइनस एक माइनस गया एक बचा है 0.53, −25/3, 0.53 माइनस 0.51 0.02 अपॉन 0.51 × 0.5, बस इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 25/3 8.33 आता है, ये भी नंबर से याद रख लेना, बहुत जगह पे आएगा ये। 25/3 कितना आता है, 8.33, 8.33, 8.33। वैसे वो डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, आई वॉन्ट एग्जैक्ट आंसर, तो मैं एग्जैक्ट आंसर ही बताऊंगा आपको। ओके, तो क्या था 25/3, 8.33333 मल्टीप्लाइड बाय 0.02, 0.16666 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय कितने से डिवाइड कर रहे हो तुम इसको, 0.51 मल्टीप्लाइड बाय 0.53, ओके 0.6165, ओके विथ माइनस साइन, विथ माइनस साइन, तो कितना आया 0.6165, माइनस साइन छोड़ देना और प्लस लेना, मॉड लेना पड़ता है कभी भी, तो कभी भी क्या लेना है, अभी बोलो कि माइनस क्यों आया, प्लस कब आता है, जब तुम्हारे पास बाइकॉन्वेक्स लेंस हो, ये बाइकॉन्वेक्स लेंस था क्या, नहीं, तो ये क्या था, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, इसलिए हमेशा इसको मॉड में लिखना चाहिए, तो राइट दिस ऑलवेज इन मॉड। ओके, अब देखते हैं आंसर कितना दिया हुआ है, कौन सा एग्जाम्पल था ये, 9.11, तो लेट मी चेक टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल में इसका आंसर कितना है, एक मिनट, वन मिनट, वन मिनट, सिर्फ एक मिनट, जस्ट अ मिनट, वन मिनट, ओके ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट देयर, ओके, तो आंसर है, आंसर है, थोड़ा अलग आंसर आ रहा है, तो कैलकुलेशन में कहीं तो गड़बड़ हो गई, कैलकुलेशन
कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई से लग रहा है, थोड़ा सा अलग आंसर है, तो ठीक है चेक करना पड़ेगा। मेथड तो करेक्ट है, मेथड में तो कोई दिक्कत नहीं है, 3/25 ये भी करेक्ट ही आएगा, तो ठीक ही है। एफ वी फोकल लेंथ ऑफ म्यू वी रिफ्लेक्टेड इन पावर, ये भी ठीक ही है, दिस इज राइट, दिस इज फाइन फाइन फाइन, बाई थ्री ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो कैलकुलेशंस में कहीं तो गड़बड़ हुआ होगा, 0.9 सेंटीमीटर आ रहा है आंसर, तो मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, 1 मिनट कैलकुलेशंस। गड़बड़ कुछ भी नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है बताया क्या, बहुत सारे बुक्स में ना कॉन्केव कॉन्वेक्स बोलते हैं, लेते उल्टा है, लेते उल्टा है, मतलब पहले कॉन्वेक्स सरफेस लेते हैं और बाद में कॉन्केव। तो अगर तुमने ऐसा किया होता, क्योंकि तो टेक्स्ट बुक में वैसा सोल्यूशन निकाला है, इसलिए आंसर अलग आ रहा है, हमारा आंसर करेक्ट है, लेकिन टेक्स्ट बुक में ऐसा बोला है, पहले कॉन्वेक्स फिर कॉन्केव, तो कॉन्वेक्स तो कॉन्केव होगा, इधर बोला क्या है कॉन्केव कॉन्वेक्स, तो डिफरेंस कहाँ आता है फिर? डिफरेंस भी इतना होता है कि R1 R2 दोनों क्या बन जाएंगे फिर, बराबर। तो ठीक है, दैट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन, नो इश्यूज, वी विल सॉल्व एट दिस वे ओनली, मेथड तो करेक्ट है।